तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 अंडररेटेड गेम्स के बारे में, जो कि खेलने में तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, गेम प्ले, ग्राफिक, स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, पर उन्हें ज़्यादा लोग जानते नहीं है, और खासकर अगर इंडिया की बात की जाए तो बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 10 स्लीपिंग डॉग्स। अब देखो, स्लीपिंग डॉग्स रिलीज हुआ था 2012 में, और 2012 के हिसाब से गेम के ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा सही है, और साथ ही में इस गेम के अंदर तुम चाइना में होते हो, हांगकांग शहर में, और तुम्हारा प्रोटैगनिस्ट भी ऑफकोर्स चाइनीज़ ही होता है, और बहुत सारे लोग इसे चाइनीज़ GTA कहते हैं, जो कि ये मैं सच बताऊँ तो है नहीं। मतलब GTA से बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ तुम देख सकते हो, पर गेम ने मेजर फोकस जो किया है वो किया है कॉम्बैट के ऊपर और पार्कर के ऊपर। और पार्कर की अगर बात करें तो पार्कर भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है GTA से, और कॉम्बैट इस गेम की पूरी ताकत है, क्योंकि इस गेम के अंदर जो कॉम्बैट है वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल भी है, और बहुत सारी चीज़ें तुम्हें करने को मिलती है। GTA से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है इस गेम का कॉम्बैट, और पार्कर भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। गेम का जो ओपन वर्ल्ड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, जिस तरीके से इन लोगों ने हांगकांग शहर को दिखाया है बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया है, और साथ ही में गेम के अंदर तुम्हारे पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो भाई तुम कभी बोर नहीं होगे गेम के अंदर। दोनों नंबर 9 पे जो गेम है उसका नाम है Assassin's Creed ब्लैक फ्लैग, और ब्लैक फ्लैग को मैंने नंबर 9 पे इसलिए रखा है क्योंकि ये गेम उतना ज़्यादा भी कुछ अंडररेटेड नहीं है जितना बाकी की गेम्स हैं लिस्ट के अंदर। तो मतलब बहुत ज़्यादा वेल नोन गेम है, पर फिर भी भाई जिस हिसाब से इस गेम की स्टोरी है, जो गेम प्ले है, जितना ज़्यादा आइकॉनिक ये गेम है कि अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा अंडररेटेड लगता है ये गेम। देखो, सबसे खास बात जो इस गेम के बारे में है वो ये है कि ये एक पायरेट बेस्ड गेम है, और पायरेट बेस्ड गेम मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे, इतने कम होते, क्योंकि पायरेट बेस्ड गेम अगर तुम्हें मिलेंगे भी तो वो उतने ज़्यादा कुछ खास नहीं होंगे। ऐसा लगेगा कि मोबाइल के गेम्स हैं, या फिर सी ऑफ थीव्स की अगर तुम बात करो तो भाई वो एक मल्टीप्लेयर गेम है, उसमें कोई अपनी कुछ स्टोरी नहीं है, या फिर उसके ग्राफिक्स भी उतने ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो ये एक लौता पायरेट बेस्ड गेम है जो कि किसी ट्रिपल ए कंपनी ने बनाया है, और ओवरऑल तो यार ये गेम बहुत ही ज़्यादा मस्त है। मतलब इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा भयानक है, इसका ओपन वर्ल्ड तुम मतलब पूरे अपने करेबियन आइलैंड पे इधर उधर अपनी सिप लेके घूम सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, हार्पूनिंग कर सकते हो, तुम ट्रेजर हंट कर सकते हो, और तुम इधर उधर सिप को मार के उनका सामान लूट सकते हो, और पायरेट वाली हरकतें कर सकते हो, और अपनी सिप अपग्रेड कर सकते हो, और साथ ही में लेजेंडरी सिप को हरा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें इस गेम के अंदर करने के लिए, तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया गेम है ये, और ज़रूर खेलना चाहिए अगर तुमने नहीं खेला है तो। अब 8वें नंबर पे जो गेम है वो है सैंड्स रो 4, और सैंड्स रो 4 तो भाई इस लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए था, क्योंकि ये एक अंडररेटेड गेम तो है ही ऑफकोर्स, पर साथ ही में ये बहुत ही अलग टाइप का गेम है। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुमने नहीं खेला है तो तुम्हें ज़रूर खेलना चाहिए, क्योंकि इसमें तुम्हें एक अलग ही टाइप का चीज़ देखने को मिलेगा। मतलब तुम्हारे पास ऐसे तो सुपर पावर होती है, तुम बहुत तेज़ दौड़ सकते हो, तुम ऊंची ऊंची छलांगे लगा सकते हो, तुम्हारे पास सुपर नेचुरल पावर्स वगैरह हैं, और साथ ही में धरती पे एलियंस वगैरह आए हुए हैं जिनको तुम्हें मारपीट के करना है। बहुत ही फनी टाइप का गेम है, मतलब अलग ही अलग तुम्हें चीज़ें देखने को मिलेंगी, तुम किसी को थप्पड़ वप्पड़ मार रहे होगे, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता अपने आप को ये गेम, और मुझे ये काफ़ी बढ़िया लगता है। मतलब ये एक तरीके से ऐसा तुम कह सकते हो कि डेडपुल के गेम जैसा है, जैसे डेडपुल के गेम में मतलब ऐसे ही मजाक चलता रहता है, वैसे ही इस गेम के अंदर भी मजाक चलता रहता है, और साथ ही में गेम प्ले इतना ज़्यादा बढ़िया है कि भाई बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है ये गेम। नंबर 7 डाइंग लाइट। अब देखो, डाइंग लाइट एक हॉरर गेम तो है ही, पर ये तुम्हारा टिपिकल नॉर्मल टाइप का हॉरर गेम नहीं है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का हॉरर गेम है, जिसमें तुम पहले बात हो गेम फर्स्ट पर्सन है, और हाँ गेम जोम्बी के ऊपर ही चलता है। मतलब एक शहर है जो कि जोम्बीफाइड हो चुका है, और कुछ लोग बचे हुए हैं जो कि उसके अगेंस्ट कुछ करने की प्लानिंग बना रहे हैं, ये तो हर जोम्बी गेम में होता है, पर जो चीज़ इसे बाकी के जोम्बी गेम से अलग बनाती है वो है इसका गेम प्ले। जैसे कि ये फर्स्ट पर्सन गेम है, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, पर साथ ही में गेम के अंदर तुम पार्कर वगैरह भी कर सकते हो, तुम शहर पर इधर उधर कूद फांद के जा सकते हो, और पार्कर भी बहुत बढ़िया है गेम का, और साथ ही में भाई इसमें जोम्बी को मारने का एक तरीका ही अलग है। मतलब जोम्बियों को तुम बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार सकते हो, उनका हाथ काट सकते हो, पैर काट सकते हो, तुम्हारे पास अलग अलग टाइप के वेपन्स होते हैं, तुम्हारे पास एक्सप्लोजिव भी होते हैं, और एक तरीके से तुम कह लो कि इसमें तुम जोम्बी स्लॉटर कर रहे होते हो। मतलब बाकी गेम्स में भाई जोम्बी तुम्हें डरा रहे होते हैं, इस गेम के अंदर एक पॉइंट के बाद तुम गेम में इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि तुम जोम्बियों को भगा भगा के मारने लगोगे। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा अलग चीज़ मेरे को देखने को मिली इस गेम के अंदर। नंबर 6 वॉच डॉग्स। अब देखो, वॉच डॉग्स को मैंने नंबर 6 पे इसीलिए रखा है क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले से ही एक वीडियो में बात कर रखी है, प्रॉपर वीडियो में, पर फिर भी भाई ये गेम इतना ज़्यादा अंडररेटेड है कि ये GTA 5 से भी बेहतर है कई मामलों में, और बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग गेम है। देखो, मेन चीज़ जो है इस गेम के अंदर वो इसका हैकिंग का पार्ट है। मतलब अगर इसका हैकिंग का पार्ट तुम गेम में से हटा दो तो ये गेम लगभग GTA 5 जैसा ही हो जाएगा, पर फिर भी हैकिंग का पार्ट इतना ज़्यादा अंतर लाता है गेम के अंदर कि गेम पूरी तरीके से बदल जाता है। मतलब तुम बहुत सारी चीज़ें हैक कर सकते हो, तुम कार हैक कर सकते हो, स्ट्रीट लाइट्स हैक कर सकते हो, दरवाजे हैक कर सकते हो, स्टोरी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैक कर सकते हो, लोगों की इन्फॉर्मेशन तक भी हैक कर सकते हो, और तुम पूरे शहर की बत्ती भी गुल कर सकते हो कुछ समय के लिए। मतलब इतनी खतरनाक लेवल की हैकिंग हो सकती है गेम के अंदर, और साथ ही में और भी बहुत सारी चेंजेस हैं, जैसे तुम पार्कर वार्कर भी होते हैं गेम के अंदर, जो कि GTA 5 में नहीं होता,
और साथ ही में कॉम्बैट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है इस गेम का GTA 5 से। तो अब तो तुम समझ ही होगे भाई कि ये गेम कितना ज़्यादा अंडर रेटेड है, क्योंकि ये GTA 5 को हर मामले में टक्कर देता है और बहुत मामलों में बहुत ज़्यादा बेहतर भी है। अब नंबर 5 पे जो गेम है उसका नाम है राइज ऑफ द टोम रेडर, और ये जो गेम है ये एक लीनियर टाइप गेम है, लीनियर स्टोरी पे बेस्ड है। मतलब इसमें ओपन वर्ल्ड तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, पर तुम समय के साथ स्टोरी के अंदर आगे बढ़ोगे और साथ ही में मैप के अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लोर करोगे। ये गेम एक एक्शन एडवेंचर टाइप का गेम है, जैसा तुम नाम से समझ ही सकते हो कि टूम रेडर, यानी कि तुम टूम में जाओगे और बहुत ही खतरनाक खतरनाक जगहें हैं गेम के अंदर, और बहुत ही बढ़िया तरीके से एनवायरनमेंट को डिज़ाइन किया गया है और साथ ही में गेम प्ले भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो गेम के अंदर भी तुम्हें बहुत सारी वेपन्स मिलेंगे, बहुत सारे जैसे बो एंड एरो मिलेगा, तुम्हें एनिमीज मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेंगी। तो गेम के अंदर पज़ल सॉल्विंग टाइप का भी सीन होता है कि मतलब हो सकता है तुम्हें कभी कभार पज़ल सॉल्व करना पड़े, कुछ दिमाग लगाना पड़े अपना, और उससे तुम आगे बढ़ोगे गेम के अंदर। ये गेम रिलीज़ हुआ था 2015 में, तो 2015 से तुम इतना तो समझ सकते हो कि भाई इसके ग्राफिक्स और विजुअल्स तो एकदम कमाल के हैं। तो अगर तुम्हें भी लीनियर टाइप के गेम्स पसंद हैं, लीनियर स्टोरी वाले गेम्स पसंद हैं, तो ज़रूर इस गेम को तुमने खेल रखा होगा, या फिर अगर नहीं खेला तो ज़रूर खेलना चाहिए। नंबर 4 अनचार्टेड 4। अब अनचार्टेड 4 भी एकदम राइज ऑफ द टूम रेडर की तरह है और इसके अंदर भी तुम्हें एक बेहतरीन स्टोरी, एक लीनियर स्टोरी देखने को मिलेगी और उसी के साथ एकदम एडवेंचरस टाइप के तूफानी हरकतें होने वाली है इस गेम के अंदर। मतलब बहुत सारी चीज़ें इस गेम के अंदर बहुत ज़्यादा केओटिक होती हैं, जैसे कि तुम किसी का पीछा कर रहे होगे या फिर कोई तुम्हारा पीछा कर रहा होगा और तुम उससे भाग के बचना वचना पड़ेगा, और बहुत सारी ऐसी तूफानी चीज़ें होती रहती हैं इस गेम के अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा केओटिक टाइप का गेम है और एकदम एक भी ऐसा मोमेंट नहीं होगा गेम के अंदर जहाँ पर तुम ऐसा लगेगा कि बोरिंग या फिर पेस बहुत ही स्लो है। तो बहुत ही बढ़िया पेसिंग है गेम के अंदर, स्टोरी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है और जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है नेथन ड्रेक, वो भी बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर है। तो ये गेम तो बिल्कुल होना चाहिए भाई तुम्हारे कंप्यूटर में। अब हम लोग इस लिस्ट के टॉप 3 गेम्स में आ चुके हैं और नंबर 3 पे है फार क्राई 3। अब देखो फार क्राई 3 उतना ज़्यादा भी अंडररेटेड गेम नहीं है जितना बाकी के गेम्स हैं, पर फिर भी ये गेम इतना ज़्यादा बढ़िया है कि ये अभी भी मुझे लगता है अंडररेटेड ही है। फार क्राई 3 एक ओपन वर्ल्ड फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जिसके अंदर तुम्हें भयानक गेम प्ले तो देखने को मिलेगा ही, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग, पर साथ ही में जो सबसे बेहतरीन बात है इस गेम की वो है इसकी स्टोरी। मतलब इस गेम की स्टोरी इतनी ज़्यादा बढ़िया मुझे इसलिए लगती है क्योंकि ये एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम भी है। मतलब बहुत ही लंबे समय से भाई फर्स्ट पर्सन शूटर गेम के अंदर तुम्हें ओपन वर्ल्ड देखने को नहीं मिलता था, और फार क्राई 2 और 3 से पहले मैं सब बताऊँ तो बहुत ऐसे गेम है नहीं जो कि स्टोरी पे उतना ज़्यादा फोकस हो अगर फर्स्ट पर्सन है तो। और फार क्राई 3 ने इसको पूरी तरीके से बदल दिया, बहुत ही बेहतरीन इंट्रोडक्शन के साथ, बहुत ही बेहतरीन विलेन के साथ और बहुत ही बेहतरीन स्टोरी और प्लॉट के साथ। साथ ही में इस गेम का जो मैप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी है और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं तुम्हारे पास करने के लिए गेम के अंदर, और साथ ही में गेम प्ले भी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। तो इस गेम को अगर तुमने अभी तक ट्राई नहीं किया तो मुझे नहीं पता तुम लोग क्या कर रहे हो, पर फिर भी तुम्हें ज़रूर ट्राई करना चाहिए इस गेम को। अब नंबर 2 पे जो गेम है उसका नाम है टॉम क्लैंसीज घोस्ट रिकॉन वाइल्डलैंड्स, और ये तो एकदम निहायत ही अंडररेटेड गेम है। मतलब इसके बारे में तुम भाई इंडिया में ही नहीं, तुम बाहर भी बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है गेम। मतलब बाहर भी बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ऑफकोर्स ये गेम 7 साल पुराना है, 2017 में लॉन्च हुआ था और यूबीसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है गेम, पर उस समय यूबीसॉफ्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गेम्स बनाती थी। अब सबसे बेहतरीन बात जो इस गेम के बारे में है वो है इसका ओपन वर्ल्ड। मतलब इस गेम का जो मैप है, जैसा कि तुम नाम से सुन पा रहे होगे वाइल्ड लैंड्स, इस गेम का मैप भी एकदम वाइल्ड है। मतलब तुम्हें हर टाइप के प्लेसेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे बर्फीले इलाके, डेजर्टेड वाले इलाके और साथ ही में जंगल वाले इलाके भी। तो हर टाइप के इलाके भी तुम्हें एक्सप्लोर करने को मिल जाएंगे, माउंटेन भी होंगे गेम के अंदर, और ऐसा नहीं रहेगा कि भाई गेम एकदम खाली देखने को मिलेगा वेलहेला की तरह, बल्कि एनिमीज इधर उधर पेट्रोल करते रहेंगे, बीच में घर होंगे, हर जगह सप्लाईज बिखरे पड़े होंगे और एकदम बढ़िया तरीके का मैप है इस गेम के। साथ ही में गेम का गन प्ले भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और तुम्हारे पास एक स्क्वाड भी होती है, मतलब 3 बंदे और होते हैं तुम्हारे साथ हमेशा घोस्ट रिकॉन के गेम्स की तरह, और ये बंदों को भी तुम एक तरीके से लीडर होते हो तो तुम इन लोग को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो मतलब तुम इनको टारगेट सेट कर सकते हो और 4 बंदों को एक साथ टेक डाउन कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तुम्हारे पास ड्रोन्स भी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के आइटम्स भी होते हैं। स्टोरी भी गेम के बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और अगर गेम को तुम्हें पूरा कंप्लीट करना है तो तुम्हें 40-50 घंटे देने पड़ेंगे। तो बहुत ही बड़ा टाइप का गेम है और एकदम फुल एक्सपीरियंस मिलने वाला है तुम्हें इस गेम को खेलने के बाद। नंबर 1 पे जो गेम है उसका नाम है विचर 3, और ये इतना ज़्यादा अंडररेटेड गेम है कि मुझे पता भी नहीं ये अंडररेटेड है क्यों। मतलब बाहर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम है, बाहर सारे लोग इसे जानते हैं और ये एक लेजेंडरी गेम है बाहर, पर इंडिया में भाई इंडिया में तो कोई बात ही नहीं करता इस गेम की।
इस गेम के अंदर हर वो चीज एग्जिस्ट करती है जो तुम किसी भी ओपन वर्ल्ड आरपीजी गेम से चाहते हो। मतलब क्या नहीं है, इस गेम के अंदर बेहतरीन स्टोरी है, बहुत ही खूबसूरत ओपन वर्ल्ड है और बहुत ही बढ़िया तरीके का कॉम्बैट भी है और बहुत सारी चीजें करने के लिए है तुम्हारे पास। मतलब साइड क्वेस्ट भी बहुत सारे अच्छे हैं और तुम जहां भी चले जाओ तुम्हें एकदम कैओटिक टाइप का वर्ल्ड देखने को मिलेगा। ये गेम रिलीज हुआ था 2015 में और ग्राफिक्स भी इसके काफी बढ़िया है। अगर तुम लोग का सिस्टम एकदम ही रद्दी बेकार नहीं हुआ तो तुम आराम से इस गेम को अपने सिस्टम में चला सकते हो। तो हाँ, ये तो थी मेरी लिस्ट टॉप 10 अंडररेटेड गेम्स की। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कोई गेम मिस कर दिया जो कि इस लिस्ट में होनी चाहिए थी, तो तुम ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।